हेलो एवरीवन। फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है, और हर बार की तरह रविवार के शाम को मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के इस हफ्ता के लिए भी आ चुका हूँ। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, तो इस हफ्ता के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते। उसके पहले इस दौरान जो भी नए सेविका साई का बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, फैमिली से जुड़ी हुई, उनको मैं बता दूं हर एक सप्ताह के संडे को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें जो भी क्वेश्चन कमेंट आपने पूछा है उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट हो संडे के लिए, तो जहां भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा जरूर लिखिएगा इस वीडियो का आंसर संडे को, ताकि उस वीडियो को क्वेश्चन को सर्च करके वीडियो मिलाना आसान हो पाए। तो फाइनली इस सप्ताह के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कमेंट जो है वो तैयब आलम नाम से आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, लिखा है कि बच्चे का नाम डबल हो गया है तो हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है, डिलीट कैसे होगा, संडे कमेंट में बताएं। देखिए पोषण ट्रैकर ऐप में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाभार्थियों को जो है आप दो बार रजिस्टर कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है आपको पोषण ट्रैकर ऐप में कहीं भी किसी भी कैटेगरी में लाभार्थी को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो आखिर लाभार्थी को आप लिस्ट से कैसे हटाएंगे, तो उसका एक सिंपल सा ऑप्शन होता है, लाभार्थी वाले ऑप्शन में जा कर के जिस लाभार्थी को आपको लिस्ट से हटाना है वहाँ पर ऊपर में से थ्री डॉट होता है, उस डॉट पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपको जो है माइग्रेट आउट करके एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पर क्लिक करके यस कर दीजिएगा तो लाभार्थी ऑटोमेटिक आपके लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। तो माइग्रेट आउट आप किसी भी लाभार्थी का कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट कैसर हाशमी नाम से आया हुआ, लिखा गया अतुल भाई आप सहायिका पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। यानी कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप जो है सहायिका के बारे में डिटेल में वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई जानकारी नहीं देते हैं। देखिए सहायिका को इंग्लिश में आंगनवाड़ी हेल्पर कहा जाता है, इस नाम से मालूम चलता है कि वो आंगनवाड़ी के लिए संचालन में जो मुख्य भूमिका सबसे ज़्यादा भूमिका ऑफिशियल भूमिका होती है वो आंगनवाड़ी वर्कर की होती है, जिसको जो है सेविका कहा जाता है। तो जितना भी काम होता है, जो भी अपडेट होता है, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है या ICDS लेटर आता है, मैक्सिमम में जो सेविकाओं की बात होती है, तो कहाँ से मैं ऑटोमेटिक जो है सहायिकाओं के संबंध में कोई सूचना दे दूँ या कोई भी वीडियो बना दूँ। जब सहायिका के संबंध में कोई स्पेशल अपडेट आती है, लेटर आता है या कोई सूचना मिलती है तो मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ, अन्यथा जनरली सामान्यतः आपको सिर्फ और सिर्फ सेविका के बारे में ही खबरें देखने को हर जगह मिलती है। नेक्स्ट कमेंट जो है रोशन गेमिंग नाम से आया हुआ है, लिखते हैं कि मेरे यहाँ एक सेविका है जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, CDPO के जरिए बहाल हो गई है, उसे कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे कैसे हटवाए कृपया बताइए। देखिए अगर बहाली किसी महिला की सेविका के तौर पर हुई है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो है सर्टिफिकेट होगा, तो सर्टिफिकेट होने के चलते जो है वो सेविका पढ़ी लिखी मानी जाएगी। भले ही सेविका को काम करने आता हो, कम आता हो, ज़्यादा होता हो, वो अलग बात है, लेकिन बहाली में उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, उसके पास मार्कशीट होगा, उसने ऑफिशियल पढ़ाई की होगी। तो अगर आज के बाद भी आपको कोई डाउट है कि सेविका फर्जी या कुछ भी है, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए जो ऑफिस में एक RTA लगा सकते हैं, जहां से आपको सूचना मिलेगी कि सेविका का सर्टिफिकेट क्या है, कहां तक पड़ी है, उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है अगर वो चीज़ें फर्जी निकली तो। नेक्स्ट कमेंट रघुनंदन शाह नाम से आए हुआ, लिखते हैं कि सुपरवाइजर के लिए भागलपुर में नया बहाली कब निकलेगा, बताइए अतुल जी बिहार में भर सकते हैं। देखिए बिहार का ही एक ज़िला जो है वो भागलपुर है, भागलपुर में जो है सेविका से LS के लिए जो प्रमोशन वाली बहाली है वो भी बहुत जल्द आने वाली है। सभी ज़िलों में जो है आने वाले 2-3 महीनों में बहाली आ जाएगी, लगभग 4-5 ज़िलों में आ भी चुकी है, रोस्टर क्लियर हो रहा है, उसके बाद कहाँ कितनी सीटें किस कैटेगरी में होगी वो सारा डिटेल आएगा। तो आप अपना सर्टिफिकेट और सारा डॉक्यूमेंट पहले बनवा लें ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आए, जैसे ही बहाली आएगी सूचना आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। इस हफ्ता का सबसे लास्ट कमेंट जो है इस नाम से आया हुआ है, ये स्टेटस नाम से लिखते हैं अतुल भाई फैमिली सर्वे नहीं हो रहा है, उससे कैसे जोड़े, फैमिली में लेडीज़ जुड़ जाती हैं लेकिन जेंट्स और बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, कृपया कर बताएं। देखिए एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर, एक प्रोमो वीडियो के तौर पर मैंने आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले जो है वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार आपको फैमिली सर्वे में जो है पूरे फैमिली के मेंबर को आप जोड़ सकते हैं, दादा दादी, उसके जो भी बेटा पोतो या उनके नाती पोते हैं उनके मुखिया बना करके, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं जुड़ रहे हैं और बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, लेडीज़ जुड़ जा रही है, इस तरह फैमिली सर्वे नहीं होता है।
तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने डिस्कस किए उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जानने सीखने समझने को मिला होगा, जानकारी मिली होगी। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि हर एक क्वेश्चन कमेंट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट आते हैं जिनका क्वेश्चन कमेंट मुझे छूट गया, मेरी सॉरी। इसके लिए आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जहां से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन और सही हो तो। फाइनली इस सप्ताह के इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।